नो आपका प्रॉब्लम होगा, जिसका इसका मतलब है कि अगर एक भी बंदे को नहीं आ रही है तो प्लीज स्टे ऑन बोर्ड हेयर. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एब्सोल्यूट जो गवर्नेंस की मॉडल होता था उससे बदल बदल के हम तरक्की करके अब हम एक नई किस्म की गवर्नेंस की तरफ आ गए. हमने ये दो चीजें पढ़नी है गवर्नेंस की. ठीक है, सो फार क्लियर? ओके. उसके बाद हमने टॉपिक नंबर वन के अंदर ही आपको एक वो चीज नजर आ रही होगी लिखी हुई, डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस. ठीक है, अब पहले हम गवर्नेंस समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये गुड गवर्नेंस क्या होती है. देयर इज अ डिफरेंस. ये गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस सेम चीज नहीं है. गवर्नेंस का टॉपिक समझने के बाद हम गुड गवर्नेंस की तरफ आएंगे. गुड गवर्नेंस एक बड़ी पर्टिकुलर किस्म की एक गवर्नेंस होती है. हर किस्म की गवर्नेंस को हम गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते. जैसे देखिए, हर स्टूडेंट को हम अच्छा स्टूडेंट नहीं कह सकते, हम हर गाड़ी को अच्छी गाड़ी नहीं कह सकते, हम हर फॉर्म गवर्नमेंट को अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते, तो हम हर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को हर गुड गवर्नेंस कैसे कह सकते. फॉर अ गवर्नेंस टू बी नोन एज गुड गवर्नेंस इट हैज टू हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? अब माय क्वेश्चन इज फ्रॉम दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड, सही है, इन इन सच थिंग्स. कि आप मुझे बताइए अपनी बैकग्राउंड नॉलेज से या जितनी भी आपने हासिल की है पढ़ के, कि किस तरह की गवर्नेंस को हम गुड गवर्नेंस कहेंगे. इसको छोड़ दीजिए कि सामने क्या लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पे. अब मैं अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग में जाना चाह रहा हूं ताकि मैं ये चीज आपसे जस्टिफाई करवा सकूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसी वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कि आपने मोर और लेस पढ़ी हुई है, देखी हुई है, समझी हुई है, या आपका कोई ना कोई कनेक्शन है उनसे. ओके, एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम रदा रदा आपने ठीक कहा. ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है आरिफ आपकी डायरेक्शन ठीक है, जस्टिस है, अकाउंटेबिलिटी है, और इसके अलावा ऑल राइट ठीक है, यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक. बिल्कुल ऐसी वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या किया है कि वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया कि गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. ठीक है, जैसे कि हर एक अच्छे मैनेजर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छे कोच के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छे लीडर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट? तो फिर एक अच्छी गवर्नेंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो गवर्नेंस जिसके अंदर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं, जैसे कि पार्टिसिपेशन है. पार्टिसिपेशन क्या होता है? लोगों की इन्वॉल्वमेंट. आप मुझे बताइए कि लोग जितना ज्यादा गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे उससे गवर्नेंस बेहतर होगी या उससे खराब होगी? ठीक हो गया. इसी तरह रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, ट्रांसपेरेंसी यानी कि शफाफियत, रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि फौरन से एक चीज के मसले का हल निकालना, एक्विटी, ये एक थोड़ा सा आपके लिए नया वर्ड होगा, हम ये सब पढ़ेंगे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये एक तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है. हम ये सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आपस में कैसे लिंक है, या ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस आपस में कैसे लिंक है? हम अगर इस चीज को थोड़ा सा सोचें, ठीक है हमारा बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरा भी नहीं था, आई हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई हेल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एग्जैक्टली. सो इफ डीलिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट आर विजिबल टू ऑल, इट मींस दे इट आर मोर अकाउंटेबल. ठीक है, इट मींस द गवर्नमेंट वुड वॉन्ट टू बी मोर रिस्पॉन्सिव, because they it would mean that the government would try to be more efficient and they would try to be more effective because they want to get into the government again. It would mean that they would want to create more rule of law. सही हो गया. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि good governance पहली बात क्या होती है, good governance की जरूरत क्यों है, और good governance के characteristics कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो अभी तक मैंने आपको पांच चीजें बताई. दो चीजें मैंने आपको गवर्नेंस के बारे में बताई हैं कि गवर्नेंस क्या है और गवर्नेंस इवॉल्व कैसे हुई, और तीन चीजें मैंने आपको गुड गवर्नेंस के बारे में बताई हैं कि गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस की जरूरत क्यों है, और गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स. एवरीबडी क्लियर? ओके, मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की. ठीक है, अब टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन यू गाइस नाउ हैव अ सेंस ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट. ओके, अच्छा एक और चीज लिखी हुई है, कोलैप्स एंड फेलियर ऑफ गवर्नेंस, इट्स इंडिकेटर्स, डायग्नोस्टिक टूल्स एंड इफेक्ट्स. ठीक है, अब इस चीज को जहन में रखते हुए जरा टॉपिक नंबर थ्री की तरफ आइए. टॉपिक नंबर थ्री में जिस इंडिकेटर का जिक्र यहाँ पे किया गया है, यहाँ
ये वाले इंडिकेटर्स, ठीक है, वो यहाँ पे बताया है उसने, टॉपिक नंबर 3 में उसने बता ही दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों हमने लिंक करके पढ़े, सही हो गया। अच्छा, गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और चीज है, गवर्नेंस के इंडिकेटर्स कुछ और चीज, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नेंस इंडिकेटर्स क्या है, आप मुझे मुझे ये बता दें कि ये इंडिकेटर क्या होता है, व्हाट इज इंडिकेटर। ओके, देखिए इंडिकेटर जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप लेफ्ट इंडिकेटर बताएंगे, यानी कि इंडिकेटर से कोई चीज इंडिकेट की जाती है। अगर कोई ट्रैफिक का इशारा लाल है तो वो भी इंडिकेटर है कि आपने नहीं चलना, ग्रीन है तो चलना है। आपको सिचुएशन पता चलती है, आपको किसी चीज की कंडीशन पता चलती है। हाँ, प्रोग्रेस, ठीक है अब्दुल रहमान आपने सही कहा, प्रोग्रेस पता चलती है या लैक ऑफ प्रोग्रेस पता चलती है, ठीक है। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे मुल्क में, मेरे खित्ते में, मेरे शहर में, मेरे इलाके में या इवन मेरे डिपार्टमेंट में गवर्नेंस बेहतर हो रही है या नहीं, तो मैं इसको कैसे मेजर करूंगा, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ इंडिकेटर्स ले डाउन किए। देखिए जैसे कि आपकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस होती है, आप सब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आपकी जो ओवरऑल एक जीपीए बनता है, जीपीए क्या होता है, जीपीए इज इंडिकेटर राइट, वो आपकी परफॉर्मेंस बताता है। और उसको मेजर करने के लिए उसके पीछे कई चीजें हैं, उसको मेजर करने के लिए पीछे उसके आपके ग्रेड्स हैं, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन है, आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपके मिड टर्म्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब कुछ है, ठीक है। वो उन इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है, और उन सबको मिलाया जाए तो एक इंडिकेटर बन जाता है जिसको हम जीपीए कहते हैं। Is everybody clear on what indicator is? So, what I'm trying to tell you here that indicate governance के indicators जो होते हैं वो भी कुछ हैं। अब इन सब indicators को calculate करने का अपना अपना तरीका है। इसकी quantitative value होती है, यानी कि एक numerical value होती है। Voice and accountability की numerical value है। Political stability and absence of violence की numerical value है। I will study कि कैसे है, कहाँ है, कैसे बढ़ते हैं, वो तब देखेंगे। बट इसके अंदर स्कोर अच्छा है तो क्या होता है, बुरा है तो क्या होता है, क्या स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम सब देखेंगे। तो ये बेसिकली अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, दिस इज वन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस। हमारे सिलेबस के चार मेजर पोर्शन है और ये पहला। आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि हमने टॉपिक नंबर 1 और 3 डिस्कस कर दिया है, हम पढ़ेंगे इसको, सही हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, जो हम दूसरा टॉपिक करेंगे, अब ये टॉपिक टॉपिक्स की पढ़ेंगे हम कैसे, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक 1 एंड 3, फिर हम आएंगे टॉपिक नंबर 5 की, ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 5 है अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, बहुत जरूरी है, हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं हर वक्त, बल्कि आप तो हर वक्त ही सुनते रहते हैं, ठीक है। तो सबको पता है, किसी ने अगर एहतसाब के को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को नहीं भी पढ़ा तो सबको पता है कि एहतसाब क्या होता है, राइट। तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो कि यार मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए पहला पहली दफा मैं वर्ड सुन, एवरीबडी नोज व्हाट एहतसाब इज, राइट। तो हमने अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेबिलिटी का जो टॉपिक है, उसमें क्या क्या पढ़ना, तो प्लीज नोट डाउन, क्योंकि जो मैं आपको चीजें बताता हूँ ना कि हमने क्या क्या पढ़नी है, वो इस एस्पेक्ट के, एक तो मैं सिलेबस की तशरीह करके आपको बताता हूँ और दूसरा पास पेपर्स के एग्जाम्स को देखते हुए आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। सो प्लीज नोट डाउन, अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक में हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, यानी कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेलियंट फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डायमेंशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, 3 चीजें हो गई। टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, 4 चीजें होगी। अब वो जो पहले 3 बताई है ना मैंने, वो ऑफ कोर्स वो जब हम पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेलियंट फीचर, व्हाट डू आई मीन बाय डायमेंशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में थोड़ी सी अभी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे जहन में जो एहतसाब का कॉन्सेप्ट है
वो है तो ठीक, बड़ा बड़ा यूनिलैटरल किस्म का। हमारे जहन में एहतसाब तो मतलब है कि जी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको अदालत लेकर जाएगी, उसको अदालत सजा सुनाएगी और उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही है ये, ठीक है, ये एहतसाब है, बट सिर्फ ये एहतसाब नहीं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। वुड एनी वन ऑफ यू ट्राई एंड टेल मी वॉट इज पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी? यस, इसके अलावा और कोई बताए। ठीक हो गया। देखें, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ये होता है कि सियासी एहतसाब, अब लोगों का पार्लियामेंट में, लोगों का इलेक्शन में वोट देना या ना देना इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अपोजिशन का किसी तहरीक चलाना इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। कोई रेजोल्यूशन पास होना पास ना होना इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी मिनिस्टर को निकाल दिया, दैट्स अ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो सियासी नजर का जो एहतसाब होता है, हम देखेंगे कि वो क्या। अच्छा, हमें जो कॉन्सेप्ट पता है वो एक्चुअली जाना जाता है लीगल या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के। ठीक हो गया, तो लीगल और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वही है जो कि जिसके बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह देयर इज समथिंग नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज मोर लाइक जो आपके सीनियर्स का जूनियर्स के ऊपर एक चेक होता है। ठीक है, उस्मान ने ठीक बताया, बिल्कुल, एक चेक्स एंड बैलेंसेस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि वो क्या होता है। इस तरह फिर देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, देन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी है ना कि वो डायरेक्टली सिलेबस में लिखी नहीं होती, लेकिन वो पूछता है। लेकिन इसका मतलब, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ द सिलेबस है। नो, देयर इज नो सच थिंग एज आउट ऑफ द सिलेबस। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन टोटैलिटी। और आखिरी चीज अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे, नेशनल स्ट्रेटजीज अगेंस्ट करप्शन एंड रिमेडियल मेजर्स। अच्छा, नेशनल स्ट्रेटजीज अगेंस्ट करप्शन एंड रिमेडियल मेजर्स का मतलब ये है कि एक स्ट्रेटजी बनाई गई, उसको हम एड ऑन करके उसको हम पढ़ेंगे भी, कि करप्शन इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मींस हायर करप्शन, राइट? पाकिस्तान के लिए मसला भी बहुत बड़ा है ये। तो करप्शन को खत्म करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा कि कैसे हम करप्शन को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारी नजर में अगेन करप्शन को खत्म करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। हमें ये लगता है जी करप्शन को खत्म करना है, नैब बना दो, नैब को स्ट्रॉन्ग कर दो। भाई सिर्फ नैब का काम नहीं है, क्योंकि करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती है। ठीक है, करप्शन मॉरल करप्शन भी होती है, लीगल करप्शन भी होती है, ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन भी होती है। तो हर डिफरेंट इदारे का अपना काम है। पार्लियामेंट का अपना रोल है, प्राइम मिनिस्टर का अपना रोल है, हर इदारे का अपना रोल है, मीडिया का अपना रोल है, अदालतों का अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। तो दिस इज गोइंग टू बी आर सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट इज गोइंग टू बी गवर्नेंस, जो कि हमने क्लब करके किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, सो फार क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? ओके ओके, एनी एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग जो कि अभी आपको इस टॉपिक में समझ ना आई हो? सुफियान, क्या नहीं समझ आया? अच्छा,
ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे सिलेबस में ना चार टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चार. दो मैंने आपको बता दी है, दो मैंने अभी आपको और बता. ब्यूरोक्रेसी, ठीक है. अगेन ये कोई ऐसी चीज नहीं है, पढ़ी शायद आपने ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू डोंट नो व्हाट इट इज. आई मीन यू गाइज आर स्टडिंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, तो ऑफकोर्स यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट ब्यूरोक्रेसी इज. बट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर हम इसको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. ब्यूरोक्रेसी के टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि अगेन हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है रिस्ट्रिक्टेड. हमारे जहन में ब्यूरोक्रेसी ये होती है कि जी किसी ने सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया वो ब्यूरोक्रेट बन जाता, ठीक है. सिर्फ ऐसे नहीं होता. इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि ये इतना वाइड स्प्रेड है कि ये बहुत से बाकी आसपास के कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, आपको बहुत हेल्प देता है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी हम क्लियर करेंगे कि हम ब्यूरोक्रेसी किसको कहते हैं, यानी कि हम ब्यूरोक्रेसी की कॉन्सेप्ट को देखने के साथ साथ उसके सेलियंट फीचर्स को देखेंगे कि किस इदारे को हम ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं. एक इदारे को ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहलवाने के लिए उसके अंदर कुछ लवाजमात, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है. कोई मुझे बता सकता है कि क्या उसके अंदर होगा कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम कहेंगे कि जी फला इज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. एनीबडी? हायरार्की, एवरीबडी इज कमिंग विद हायरार्की, करेक्ट, सही है. इसके अलावा, हायरार्की के अलावा सेट ऑफ रूल्स होंगे, डिवॉल्व पावर्स होंगी. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड. सो सी यू गाइस ऑलरेडी हैव एन आइडिया. नाउ व्हाई एम आई डूइंग दिस एट द वेरी स्टार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, टू मेक यू गाइस फील अ लिटिल रिलैक्स्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट दैट यू गाइस नो इट ऑलरेडी. Yes, we have to go into the technical details. Yes, we have to go into the intricate details. But हमें पता है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही. अच्छा, ये हमारे पहली चीज होगी. दूसरी चीज हमने पढ़नी है bureaucracy से related theories of theories. There are four major theorists of bureaucracy जो कि हम पढ़ेंगे. Theories का मतलब ये नहीं है कि हमने बस वो theories को पढ़ लेना है क्या. हमारा theories को पढ़ने का मकसद ये है, चार different theories थ्योरिस्ट्स को पढ़ने का मकसद यह है कि ये चार वो लोग हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अपनी अपनी नजर से देखा. एवरीबडी सॉ ब्यूरोक्रेसी थ्रू देयर ओन लेंस. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैक्स वेबर भाई क्या कहते थे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कार्ल मार्क्स क्या कहते थे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते थे, वुड्रो विल्सन क्या कहते थे. ठीक है, कार्ल मार्क्स का नाम आई थिंक मोर और लेस सबने सुना होता, तो हम ये चीज देखेंगे. अच्छा, फिर इसके बाद हम आएंगे कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हम ब्यूरोक्रेसी की पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ेंगे कि 1947 से लेके आज 2022 है. एक ओवरऑल हम एक एनालिसिस करेंगे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारे मुल्क की गवर्नेंस के अंदर क्या किरदार अदा किया, कैसे वो एक ब्रिटिश लेगेसी थी, फिर किस तरह उसने सिविल मिलिट्री रिलेशन आपस में कायम हुए, यानी कि कैसे ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के रिलेशनशिप ने मिलके पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को पहले 14-15 साल डोमिनेट किया. देखिए, पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन था व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, इट वाज नॉट द पार्लियामेंट, इट वाज नॉट द मिलिट्री, इट वाज नॉट द जुडिशरी, इट वाज द ब्यूरोक्रेसी, द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, तो ये हमने देखेंगे कि कैसे उसने अपना किरदार अदा किया. और फिर इसके अलावा हम ये भी देखेंगे रिफॉर्म्स की हमने बात करनी है. देखिए कहीं ने लिखे हुए इस टॉपिक के अंदर के सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, तो हम मेजर रिफॉर्म्स देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या लिए गए और हमें आगे कौन से रिफॉर्म्स लेने अपनी सिविल सर्विस को बेहतर करने के. So is everybody clear on what we have to study in bureaucracy? Okay. ठीक है. Somehow it's good enough for me. Even if you guys are getting 50%, that's absolutely okay.
उसी के ऊपर हम बिल्ड ऑन करेंगे। चौथा और जो सबसे, जो मैंने आप बोला था चार इम्पोर्टेंट है, तो जो आखिरी जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, दिस वन है पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक हो गया। अब अगेन नाम से जाहिर है, ये बड़ी सीधी सी बात है कि पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना, ये हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना। तो बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, देख लीजिए प्लीज। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। सही हो गया। पहले हमें ये तो पता होगा कि पब्लिक पॉलिसी, बल्कि पब्लिक पॉलिसी से पहले हमें ये पता हो व्हाट इज पॉलिसी। देखिए यूनिट सिस्टम से, यानी कि ये यूनिट ब्लॉक से हमें बिल्ड करना चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिसी क्या है, ब्रीफली हम समझेंगे पब्लिक पॉलिसी है। सही हो गया। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये हम चीजें ब्रीफली पढ़ के, ताकि हमें पता तो हो ना हम बात किसकी कर रहे हैं। व्हेन वी विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अ पब्लिक पॉलिसी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी देयर आर, देन स्टडी अ प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है वो ये होगा कि पब्लिक पॉलिसी बनाई कैसे जाती है। पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए कुछ एक 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 मल्टीपल स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ठीक हो गया। वो हम पढ़ेंगे। अब अगेन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यू गाइस माइट हैव नेवर स्टडीड हाउ पॉलिसीज आर बीइंग मेड, मोस्ट ऑफ यू एटलीस्ट पीपल लाइक मी, आप में से हाँ जिन लोगों ने कुछ सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से शायद उन्होंने पढ़ा, बट आप इसको वही देखें, हमें एक आइडिया है पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है। देखिए पहले एक मसले को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। अच्छा फिर बताइए फिर क्या होता है, अगर मैंने एक पब्लिक पॉलिसी बनानी है तो पहले तो एक मसला बयान करूंगा कि भाई ये मसला है, फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, एजेंडा सेट करेंगे, उसके बाद हम हाँ प्रॉब्लम्स को कॉजेज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम एक प्लान बनाएंगे, फिर हम एक पॉलिसी बनाएंगे, फिर हम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। हम अपने जिंदगी के मसलों को भी अगर हम देखें, अब अपने पर्सनल जिंदगी के मसलों को भी हम ऐसे ही करते हैं ना। Whenever we are facing a problem, what we are like, okay, why do I am facing this problem? What are the causes of this problem? Okay, how do I tackle this problem? Just for example, let's say, आजकल आपकी जिंदगी में मेरी नजर में सबसे बड़ा मसला क्या होगा कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, राइट? तो यू गाइज ऑलवेज ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि क्यों नहीं हो रही। यू गाइज ऑलवेज ट्राई एंड कम अप विद अ प्लान कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्टडीज, यू इम्प्लीमेंट दैट प्लान एंड देन यू इवेलुएट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ऐसे ही है। तो व्हाई एम आई गिविंग यू दिस सच अ बेसिक एंड रॉ एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिलेट इट। सही हो गया। तो हमारा इस पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो पूरे पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के जो प्रोसेस हमने वो पढ़ा, सो दीज फोर टॉपिक्स दे मेक अप 75% ऑफ सिलेबस ऑफ जीपीपी। वी कैन नॉट एस्केप एनी ऑफ दोस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ अ कैंडिडेट डज दीज फोर टॉपिक्स ही कैन पूरा एग्जाम कर सकते, यानी कि वो चार सवाल मोर और लेस कर सकता है, तीन तो कंफर्म कर सकता है, चार अभी कभी कभी कर सकता है। तो हम इन चारों को छोड़ना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेरी नजर में ऐसे नहीं प्रिपरेशन करनी चाहिए कि बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से यही कर लो बाकी छोड़ दो, ऐसे हमने नहीं करना। हाँ इनके ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना है, बट बाकी चीजें भी हमने करनी है। तो इसके बाद अब हमने बाकी और क्या क्या करना है जो कि हम देखेंगे कि कितना कितना करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब अगली जो चीज करनी है इन टॉपिक्स के बाद, टॉपिक नंबर फोर, एंड ये जो आपके सामने टॉपिक नंबर फोर लिखा हुआ है, प्लीज डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड बाय द साइज और बाय द नंबर ऑफ लाइंस, कि आपको सिर्फ वो ट्रिक करने के लिए इसमें ज्यादा चीजें पढ़ने को नहीं है। मैं भी आपको जस्टिफाई भी करता हूँ कि आपको लग रहा होगा यार इतनी चीजें लिखी हुई हम कैसे पढ़ेंगे, ये एक एक लाइन एक एक वर्ड की चीज है। देखिए टॉपिक नंबर, पहली चीज सुनिए आप कि टॉपिक नंबर फोर एंड टॉपिक नंबर एट ये हमने मिला के पढ़ना। नहीं वो नहीं करना,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एस्टा कोड वाला है ब्यूरोक्रेसी में, वो नहीं करना, वो काट दें। जो मैं आपको नहीं बता रहा, इसका मतलब है कि वो नहीं करना। टॉपिक नंबर और एट जो है हमने मिला के करना। मेरा कहने का मतलब क्या, देखिए टॉपिक नंबर फोर और एट को पढ़ते हुए ना हम पढ़ेंगे आईने पाकिस्तान। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एक थोरो सा एक एनालिसिस दूंगा, ठीक हो गया, जितना आपको चाहिए। ये नहीं कि हर आर्टिकल को हम पढ़ रहे होंगे, नहीं, जितना आपको चाहिए। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ये जो चीजें लिखी हुई है ना हमारे सामने के, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा एक दो और डॉक्यूमेंट्स, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिकली फेडरल लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है। हमारे जहन में तो यही है ना कि जी एक पार्लियामेंट होती है, एक कैबिनेट होती है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और वो चीजें बन रही होती है। डोंट वरी इसमा, जब कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि क्या आपको समझ आई या नहीं। दैट इज ऑन मी, जस्ट लिसन फॉर नाउ कि फेडरल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है। हमने कभी ये बात की है, तो फेडरल लेवल पे कुछ इदारे हैं, एक किसी को ईसीएनईसी कहते हैं, किसी को इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं। अगेन हमने इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। वो एग्जांपल जैसे देखिए, ये एक चीज लिखी हुई है द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। डोंट यू गाइस ऑलरेडी नो व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इज? व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, क्या होता है बताइए? हम सबको पता है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को कहते हैं। अच्छा, तो ये जो सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं हम ये पढ़ेंगे, सही हो गया। अब इसमें देखिए ऑल फेडरल मिनिस्ट्रीज का मतलब ये तो नहीं है कि हम ऑल फेडरल मिनिस्ट्रीज में उनके नाम याद कर रहे होंगे, उनके मैनिफेस्टो याद कर रहे होंगे, नहीं। ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि फेडरल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, ठीक हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि हमने इस टॉपिक नंबर फोर में पढ़नी है, जो कि हम डिटेल में देखेंगे, वो होगी प्लानिंग कमीशन। तो पहली चीज फेडरल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग, जो कि पहले पॉइंट पे उसने लिख के दे दिया है कि कौन कौन से, ईसीएनईसी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। दूसरे नंबर पे हम करेंगे प्लानिंग कमीशन, कि प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन को हम जो है वो एज इन क्या काम करता है। और तीसरे नंबर पे जो हमने इंपॉर्टेंट चीज करनी है इस टॉपिक के अंदर, वो है लोकल गवर्नमेंट, ठीक हो गया। और चौथी जो हमने चीज करनी है, वो हमने करनी है आईएमएफ का डॉक्यूमेंट, यानी कि आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ जो एक प्लान चल रहा है वो क्या है। तो पहली चीज फेडरल लेवल पे हमारी पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग कमीशन, लोकल गवर्नमेंट एंड आईएमएफ। अब अगर हम ये चार चीजें कर लें तो देखिए आपका टॉपिक नंबर एट भी हो जाता है। टॉपिक नंबर एट में हम कोई चीज ऐड नहीं करेंगे। देखिए टॉपिक नंबर एट में लिखा हुआ क्या है, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबलीज। भाई यू ऑलरेडी नो व्हाट नेशनल असेंबली इज, राइट? व्हाट आई वुड डू, आई वुड गिव यू अ रेफरेंस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज अ नेशनल असेंबली। वी ऑलरेडी नो व्हाट अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज, व्हाट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज। हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। और देखिए उसके बाद फिर ऑफिस ऑफ गवर्नेंस, और उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीटेशन बहुत है। तो बेसिकली वो जो चार चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, अगर वो कर रहे हैं तो टॉपिक फोर और एट दोनों हो जाते हैं। क्लियर, इज एवरीबडी क्लियर? ओके नाउ अब हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एक जो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि हाँ इसके बारे में शायद आपको आइडिया ना हो, शायद आपने सुना ना हो, बाकी जितना भी हमने सिलेबस देखा है ना आपको आइडिया जरूर है। अच्छा, एक आखिरी जो हमने दो जो टॉपिक्स हमने देखने हैं, ब्रीफली देखेंगे हम। टॉपिक नंबर नाइन, फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टच इट राइट नाउ, ठीक है, इट इज टेक्निकल, ये वहीं जाके पढ़ेंगे जब हमारी टाइम आएगा। बट शायद आप में से कुछ लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया भी हो, शायद आप में से कुछ लोगों को डेवोल्यूशन का आइडिया भी हो। तो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन, एनीवे
ठीक है। अच्छा तो हमने इसको लिंक करना है। अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको एक टॉपिक बताया था, अभी हम कर रहे थे, कि उससे लिंक्ड है। कोई बता सकता है पिछले टॉपिक में कौन से टॉपिक से ये वाला टॉपिक लिंक्ड है? लोकल गवर्नमेंट। तो चीजें आपस में कितनी लिंक्ड है, ये इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। अगेन हम वही मैं पे जाके पढ़ेंगे, फिर हम बड़ा ब्रीफली देखेंगे रोल ऑफ सिटीजन इन गवर्नेंस क्या होता है। ये हम छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया। आखिरी जो टॉपिक लिखा हुआ वो मैं नहीं पढ़ाता, गुड गवर्नेंस इन इस्लाम। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये डिटो वही है जो कि आप इस्लामिक स्टडीज में पढ़ते हैं, तो वहां पे आप ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। सही हो गया। तो ना मैं पढ़ाता हूँ टॉपिक नंबर 10, ना टॉपिक नंबर 11, और एक और टॉपिक का जो आपने देखा होगा कि मैंने वो उसके बारे में आपको बताया ही नहीं, टॉपिक नंबर 2। उसकी भी एक वजह। आखिरी टॉपिक मैंने इसलिए नहीं आपको पढ़ा था क्योंकि हम इस्लामिक स्टडीज में करते हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट टॉपिक मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ मैं नोट जरूर दे देता हूँ। और ये वाला टॉपिक मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा था, गवर्नेंस थ्योरीज, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू नॉट अटेम्प्ट दिस 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 क्वेश्चन। अगर आप थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप मत अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, एज इन के जो आपको पढ़ना है वो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं करना। तो अगेन जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ, कि चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमने हर हाल में करने हैं, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। दे मेक अप 75% ऑफ द सिलेबस यार। अच्छा रीजन भी आप जानना चाहते हैं। देखिए बात ये होती है कि थियरीज बड़ी पर्टिकुलर होती है, ठीक है, और एक थ्योरी के बारे में किसी न किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप्ड होता है, बाकी जो चीजें होती है वो सब्जेक्टिव होती है। अब आप इस हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, थ्योरीज का क्वेश्चन है वो बड़ा पर्टिकुलर है, एंड इफ यू मिस वन ऑफ दिस थिंग्स अप थ्योरीज डजंट गेट कंप्लीट, वो एक बड़ी ऑब्जेक्टिव सी चीज बन जाती है। बट जो बाकी चीजें उसके अंदर आपके पास स्पेस होती है, उसको एनालिसिस के एरिया को थोड़ा वाइड कर सकते हैं। नहीं आसिफ भाई, ये उस तरह नहीं होता कि जी थ्योरीज को अप्लाई करना होता है, फला होता है, ऐसे होता है, इस तरह नहीं। देखिए हम अप्लाई ही करते हुए पढ़ रहे होते हैं, मैंने ये जान के ये टर्म इस्तेमाल नहीं की। अच्छा अगेन अब देखिए, आप सारे वही पूछ रहे हैं, अप्लाइंग थ्योरीज एंड अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, इस तरह नहीं होता कि लेट्स अप्लाई फलां थ्योरी ऑन दिस क्वेश्चन। ये आप लोगों का सोचने का तरीका गलत है। इस तरह नहीं होता कि यू आर गोइंग टू राइट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अबाउट फलां। नो, यू आर यूजिंग थ्योरीज व्हाइल यू आर राइटिंग समथिंग। यू डोंट हैव टू गिव अ सेपरेट हेडिंग कि इस हेडिंग के अंडर मैं थ्योरीज को अप्लाई करूंगा और फलां के अंदर नहीं करूंगा। नो, हम जितना भी कोर्स पढ़ेंगे वो हम ओवरटली एक्चुअली थ्योरीज अप्लाई ही कर रहे होंगे। सो प्लीज इस चीज को भी आप क्लियर करें। सो माय पर्पस वाज टू गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट दिस सब्जेक्ट इज। देखिए सुफियान, आईआर के अंदर भी बिल्कुल नाम से करते हैं, यहां पे भी करते हैं, बट आईआर के अंदर भी, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस टू, हम लोगों की भी ऐसी कंफ्यूजन होती है। जरूरी नहीं है कि आप ये करें कि जी एक हेडिंग दे कि दिस थिंग थ्रू रियलिज्म नो, या थ्रू लिबरलिज्म नो। आप कभी कोई किताब पढ़े किसी अच्छे ऑथर की, क्या उसने इस तरह किया होता है? हैव यू एवर स्टडीड एनी बुक और एनी रिसर्च पेपर उसमें जिसमें उसको इस तरह से लिखा हुआ हो? मैंने नहीं पढ़ा, इस तरह नहीं लिखा था। बट खैर, हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर आई विल टेल यू। ये हमारी जो आखिरी क्लास होगी ना, उसमें हम पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया सिलेबस का इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज जो कि आप लोगों ने कही थी, मैं आपको बता दूं कि इसका कंपैरिजन कर दूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है, वो मैं आपको कर देता हूँ, प्लीज जरा ऊपर से सुनिएगा। पहली बात ये है कि इसका सिलेबस का कंटेंट कंपैरेटिवली कम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा है। पहली चीज, पहला फर्क। लेकिन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिवली आसान समझा जाता है, उस स्टूडेंट्स को आसान लगता है जो कि एक आप कह लें कि एक इस्टेब्लिश्ड और एक थोड़ी थ्योरेटिकल चीज को के साथ वो करते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट फील करते हैं, जो एनालिटिकल सब्जेक्ट से थोड़ा दूर भागता है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इज एन एनालिटिकल सब्जेक्ट। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में एनालिसिस ज्यादा इन्वॉल्व है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरेटिवली कम है, बल्कि बहुत कम है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस ज्यादा है, इसका कंपैरेटिवली कम है। ठीक हो गया। इसमें आप जिस मर्जी के साथ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के साथ बिल्कुल लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के साथ आप बिल्कुल ले सकती हैं, आप ये भी ले सकती हैं, आप पब्लिक एड भी ले सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से फिजिक्स के साथ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस सब्जेक्ट, इसकी खास बात यह है कि इसकी कोई डायमेंशन चूंकि डिफाइन नहीं है, तो इसकी हेल्प बहुत हो जाती है। ना सिर्फ ये आपको देखे, आप लोग सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो वी शुड नो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी इज। तो ना सिर्फ ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स को समझने में मौका देती है, करंट अफेयर्स के अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। देखिए, आपने जब आईन पढ़ा होगा, जब आपने एहतसाब, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी पढ़ा होगा, तो आप करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के जो सवालात हैं वो बेहतर तरीके से, बहुत एनालिटिकल तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे। इसी तरह एसेस के अंदर ये बहुत हेल्प देता है, क्योंकि अक्सर आपने टॉप पास पेपर्स में देखा होगा कि टॉपिक्स आते हैं डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, यू नो, इम्प्रूवमेंट ऑफ समथिंग रिलेटेड टू दिस। इट्स वेरी हेल्पफुल। अ पर्सन हु हैज नॉट स्टडीड जीपीपी अटेम्प्टिंग गुड गवर्नेंस वुड बी फार लेस सुपीरियर देन यू गाइस, बिकॉज यू गाइस हैव स्टडीड इट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। सही है। सो इट्स अबाउट ऑफ कोर्स योर सुटेबिलिटी। पीपल हु थिंक कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल है, मुझे कोई एक किताब दे दो जिसे मैं पढ़ लूं, तो ये वाला काम यहाँ पे तो नहीं चलता। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, एज इन इस तरह नहीं होगा कि बस वो एक ही कोई सोर्स होगा जिसके हम करते रहेंगे। वी हैव ट्राई टू डू दैट, ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की कोई किताब नहीं थी, तो नोआ हैज कम अप विद अ बुक टू। ठीक है, हमारी ये किताब भी है नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर, आपको उनकी उनकी जो बुक शॉप है वहां से मिल भी जाएगी, रिटन बाय मी। वो आप एक किताब साथ रखिए और उसको मैं साथ साथ आपको काम देता रहूंगा। तो हमारे सोर्सेस क्या होंगे ये पढ़ने के, एक तो वो किताब ले लीजिए, दूसरा आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड किया करूंगा, जो मैं आपको रीडिंग्स प्रोवाइड किया करूंगा, और तीसरी जो आपकी क्लास के जो आप नोट्स लेंगे आप क्लास। सही है। स्लाइड्स मुझसे मत मांगिएगा, स्लाइड्स में इस तरह नहीं दूंगा, क्योंकि फिर आप क्या करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, फिर आप कुछ और करते ही नहीं। ये अगर आप इस तरह करेंगे सब्जेक्ट, तो उस तरह नहीं होगा। नहीं, इसमें बिल्कुल ओल्ड नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक आप मुझे बताइए कि आपके अंदर क्लैरिटी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने अभी ये डिसाइड करना, खास तौर पे 2022 वालों ने, कि उन्होंने अभी ये सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना, आप ताकि आपका टाइम जाया ना। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स वुड बी 8, ठीक रहा, 7 और 8, इन दोनों में से कोई होगा। नहीं, सॉफ्ट में नहीं है। ओह ओके, यस यस, सॉरी, राइट, मुझे तो याद ही नहीं रहा। एक्चुअली आई डिड माय सीएसएस बैक इन 2020, तो मेरे स्कोर को क्या करना है भाई आप? अच्छा, खैर, तो उसमें ये एमपीटी वाली चीज नहीं होती थी, मुझे अभी याद नहीं रहा कि आप, अच्छा, आप एमपीटी से पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं या बाद में करते हैं? अच्छा, एक और चीज, ये जो जो वर्ड एक इस्तेमाल होता है, स्कोरिंग है सब्जेक्ट या स्कोरिंग नहीं है, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं,
जी इंशाल्लाह कंसेक्यूटिव होंगे अलीशबा, मैं बोल दूं आपको, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये देर इज नो, ये जो आप कहते हैं ना कि फलां सब्जेक्ट स्कोरिंग है और फलां स्कोरिंग नहीं है, तो फिर आपकी दिमाग में ये अजम्पशन होती है कि अगर लेट से मैं आपको कहूँ जीपीपी स्कोरिंग है, लेट से सही है, मैं आपकी आपके ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि जीपीपी स्कोरिंग है, आप कहें जी मैंने ले लिया वो तो स्कोरिंग है, मेरा तो स्कोर आ जाएगा, और आप कख ना पड़े कि आपका स्कोर है नहीं ना भाई, ये जो एक चीज बन गई है, आई डोंट नो हाउ वाज इट एस्टैब्लिश्ड, ऐसा नहीं है। 2020 के अंदर जब मैंने दिया था, पीपल स्कोर्ड इन 60s, पीपल स्कोर्ड इन 30s, ठीक है, फेल नहीं हुए थे लोग, बहुत कम एक दो लोग फेल हुए थे, लेकिन 30s में भी स्कोर आया, 60s में स्कोर आया था, आई हैड 60 और 62 इन दिस कोर्स, बट लोगों का 30s में भी आया था। इसी तरह अब आप एक और चीज देख लीजिए कि अब क्योंकि 2020 के बाद में मैंने फॉलो नहीं किए जो रिजल्ट है, और 2020 में यूएस हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि जी बड़ा कम स्कोर आया उसमें, सही है, लेकिन उसमें अच्छे स्कोर्स भी आए, अब मेरा 63 आई थिंक स्कोर था, लेकिन एवरेज जो है उसकी 40 बन गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर getting less marks, you are going to get less marks. No, जो लोग पास करते हैं एग्जाम, अगर आप उनकी DMCs देखें तो बहुत फर्क आपको पता चलता है, वरना मोस्टली हमारे जहन में क्या होता है, अच्छा आप ये जो ज्यादातर लोग हैं इनके चुके कम नंबर है तो सबके कम नंबर होंगे, ऐसा नहीं। सो मेरा आपको थोड़ा भाई इसमें, अगर आप पढ़ेंगी तो स्कोरिंग बन जाएगा, नहीं पढ़ेंगी तो नहीं बनेगा, दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, please get out of this. If a subject interests you, अगर आपको एक subject interesting लगता है, अगर आपको लगता है कि आप वो पढ़ सकती हैं तो जरूर लीजिए। मैं अगर आपको ये कहता हूँ, चले मैं आप सबको कहता हूँ, in my view the most scoring subject in the whole CSS is mathematics. Are all of you going to take it? Physics and mathematics very scoring. They give more than 170. नहीं ले सकते ना, क्योंकि नहीं आता पढ़ना भाई। सो सब्जेक्ट्स ये 2023 वालों के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि जब आपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है आगे जाके तो कैसे करना है, पहले आप अपना बैकग्राउंड देखिए, मेरी जहन में बात डाल लीजिए कि जिसका बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स में ले इकोनॉमिक्स, जिसका अकाउंटिंग में है वो ले अकाउंटिंग, जिसका IR में है वो ले IR। पहला आपका चेक होना चाहिए कि क्या मेरा बैकग्राउंड है या नहीं, जरूर लीजिए। दूसरा जो चेक होना चाहिए, दूसरा जो फिल्टर होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट को उठाने का, वो ये होना चाहिए कि क्या मेरा इंटरेस्ट है इसमें या नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरी तरह के जो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो फिर ये देखते हैं कि क्या मैं एनालिटिकल सब्जेक्ट की तरफ मेरा ज्यादा टिल्ट है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरफ। अब एनालिटिकल सब्जेक्ट ज्यादा है CSS के जो प्रोवाइड करते हैं, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो कम है, तो इस तरीके से आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग जीपीपी? कोई चीज जो कि समझ ना आई हो, किसी को सब्जेक्ट मुश्किल लगा हो? गुलाम फातिमा, मैंने आपको बताया कि जो सोर्सेज हैं, आप एक नोआ की किताब ले लीजिए, बेसिकली इट्स लाइक अ कंपाइलेशन, जो वो जो किताब है उसमें क्या किया है कि जितनी भी 20-30-40 किताबें रिकमेंडेड है सब्जेक्ट की का एक मैलिगमेशन है, आपको पूरा एक कंपाइल्ड सोर्स मिल जाएगा, सही है। इसके अलावा आप जो क्लास में नोट्स लेंगी या जो मैं आपको रीडिंग, इसमें मैंने आई थिंक 2023 वालों के लिए एडवाइस दिया सब्जेक्ट सिलेक्शन की, 2022 वाले तो कर चुके हैं। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट? जवेरिया, अब काइंड ऑल्टरनेटिव रिजल्ट्स का कहा जाता है, कौन कहता है आपको? या तो आप मुझे बताएं, आपको FPSC के चेयरमैन ने कहा तो मैं मानूं। देखिए बहुत सी मिथ्स बनी हुई है इस एग्जाम को लेके,
ठीक है, ये जो सीएसएस का एग्जाम है, एक तो लोगों ने इसको जिंदगी मान ली है, और बस ना इससे अव्वल कुछ ना इससे आखिर कुछ, और इसमें मिथ्स बहुत है। टेक इट लाइक एन एग्जाम प्लीज। एमसीक्यूज मानिया, हम जो कोर्स पढ़ रहे होते हैं ना, क्योंकि इसके एमसीक्यूज मोस्टली आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, कुछ इदारों के नाम आ जाते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो हम पढ़ते पढ़ते ना हम कवर कर लेते हैं चीजों को। अगर हमारा कंटेंट सही कवर हुआ हो तो एमसीक्यूज की हमें टेंशन नहीं लेनी। नो सुफियान, जो थ्योरीज हैं वो हम कोर्स में इस तरह क्लास में कवर नहीं करते। हाँ, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। एनीबॉडी एल्स? क्लियर सब्जेक्ट? अगर अभी भी किसी को मुश्किल लगा है तो वो जल्दी डिसाइड करे, खासतौर पर 2022 पर, ठीक है, ताकि आप अगर ये नहीं तो कोई और लेना चाहते हैं तो अपना टाइम जो है वो अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करें। सही हो गया? आसिफा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस, सही है। मैं 2023 के लिए कह रहा जी, बिल्कुल 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 करेंगे, जर्नल टिप्स भी देंगे। अच्छा चले, हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। ब्रेक? यार ब्रेक मुझे जरूरत होनी चाहिए, आप लोग